हेलो दोस्तों, ईओ के आरडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में प्रोटोजोआ के मुख्य मुख्य लक्षण, उनका क्लासिफिकेशन के बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्रोटोजोआ संघ के कुछ महत्वपूर्ण जीव एनिमल एवं उनके क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, उनके सामान्य नाम क्या है, प्रोटोजोआ से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, उत्पन्न करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जीव या इन जीवों से, इस टॉपिक से, इस वीडियो से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएंगे। इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि जब आप डिजीज का अध्ययन करते हो, स्टडी करते हो, तो उसमें मेन आता है बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोन्स, वर्म्स, विटामिन और आनुवंशिक रोग आते हैं। उसमें प्रोटोजोन्स जीव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल रहता है। ठीक है, आप ऑप्शन पूछे थे ये कौन सा जीव रोग किस कारण से होता है, तो इसमें आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप वहाँ से ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला इसका सामान्य और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोटोजोआ जीव को जंतु कहते हैं, एनिमल क्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल क्यूल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, केवल माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही देखे जाते हैं, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। एक अपवाद है आपका, एक अपवाद है जिसको हम क्लॉस कहते हैं, पॉलीमिक्सा कहते हैं, ये थोड़ा बड़ा जीव होता है, लेकिन बाकी जो मैक्सिमम 99% जीव है वो सूक्ष्मदर्शी होते हैं। इसीलिए इन प्रोटोजोआ जीव के जंतुओं को एनिमल क्यूल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मेयर नामक एक वैज्ञानिक था, उसने 1953 में ये बताया कि प्रोटोजोआ जीव में लगभग 30,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 30,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। आपको देखो, फाइव जो किंगडम थ्योरी से पहले इसको भी एक फ्री फाइलम मानते थे प्रोटोजोआ को, और उस समय ये थर्ड लार्जेस्ट जो फाइलम था, लेकिन फाइव किंगडम थ्योरी आने के बाद इसको, प्रोटोजोआ जीवों को हम किस में डाल देते हैं? प्रोटिस्टा में डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, लेदर मूलर नामक एक वैज्ञानिक था। कौन था? लेदर मूलर ने इन प्राणियों को, इन जीवों को, प्रोटोजोआ जीवों को इंफ्यूसोरिया का, क्या था? इंफ्यूसोरिया का, क्योंकि ये किसी भी जीव को इन्फेक्टेड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इन्फेक्टेड करते हैं, इसीलिए इनको इंफ्यूसोरिया का। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मैं पिछले वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ, गमनांगों के आधार पर इनको चार वर्गों में बांटा गया। गमनांगों के आधार पर किसने जो है वर्गों में बांटा गया, क्लास में बांटा गया, चार में, फ्लैजिलेटा या इसको मेस्टिकोफोरा भी कहते हैं, राइजोपोडा या सार्कोडीना, ये नाम किसने दिया? सार्कोडीना डुजार्डी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। थर्ड है आपका सीलिएटा, और फोर्थ क्या है? स्पोरोजोआ। अब देखिए, मैंने एक उस वीडियो में, इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको कि एक जो फिफ्थ क्लास भी आती है सब्टोरिया, कब? गमनांगों को और केंद्रकों को अगर शामिल कर ले तो फिफ्थ क्लास भी बनती है जो सब्टोरिया। ये किसी बुक में दी जाती है, किसी में नहीं दी जाती, लेकिन मैंने अगर क्लासिफिकेशन पूछे आपको कि गमनांगों लोकोमेट्रिक ऑर्गन के आधार पर प्रोटोजोआ की कितनी क्लासें होती है, तो चार होती है। अगर इसमें केंद्रक शामिल कर लेंगे तो पाँच क्लासें बनेंगी। अब देखिए इसके महत्वपूर्ण जीव कौन सा, पहला जीव है कोलोनिम्फा या ट्राइकोनिम्फा, यह सहजीवी प्रोटोजोआ है, सिंबायोटिक प्रोटोजोआ है, और ये दीमक की आहार नाल में पाया जाता है, दीमक की आहार नाल में पाया जाता है, और ये वहां पे क्या करता है? सेलुलोज का पाचन करता है। क्या करता है? सेलुलोज का पाचन करता है, जिससे इन दोनों जीवों को भी फायदा होता है और दीमक को भी फायदा होता है। नेक्स्ट है प्रोटीरोस्पॉन्जिया, ये संघ प्रोटोजोआ और पॉलीफेरा के बीच में सहसंयोजक कड़ी है, लिंकेज है, क्योंकि इसमें प्रोटोजोआ के लक्षण भी पाए जाते हैं और पॉलीफेरा के लक्षण भी पाए जाते हैं। पॉलीफेरा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका डिस्कशन करेंगे। थर्ड है इसका जियार्डिया, ये इसका सामान्य नाम क्या होता है? ओल्ड मैन ऑफ इंस्टेंट टाइम होता है, क्योंकि ये बुजुर्ग आदमियों के, ओल्ड वुमन के आंत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये एक एंडोपैरासाइट है, अंतःपरजीवी है, और इससे क्या होता है? एक रोग होता है डायरिया या अतिसार कह सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है इस रोग का जियार्डियासिस कहते हैं, या बैग पैकर्स रोग भी कहते हैं। ये होता कैसे है? जब किसी प्रदूषित जो एनिमल, कोई मक्खी या मच्छर जो आपके भोजन में बैठ जाता है,
तो इस जीव की शिष्ट लेके उसके भोजन को छोड़ देता और शिष्ट जीव भोजन से या जल के माध्यम से इसका संक्रमण होता है। ये आपका जीआरडीए में ये सवाल पूछा जाता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, किसी भी एंगल से पूछ सकते हैं कि ओल्ड मैन ऑफ इंस्टेंट टाइम किसे कहा जाता है, या जीआरडीए का रोग किससे होता है, या बैकपैकर्स रोग किससे होता है। ठीक है, नेक्स्ट जीव है लिश्मानिया। नेक्स्ट जीव कौन सा प्रोटोजोआ का? लिश्मानिया है। ये लिश्मानिया जीव जो तीन प्रजातियों के तीन फॉर्म में पाया जाता है, तीन इसकी स्पीशीज है, कौन कौन सी? लिश्मानिया डोनोवनी, लिश्मानिया ट्रॉपिका और लिश्मानिया ब्रेसिलियानिस। ये तीन प्रजाति होती है, इसमें से पहली जो प्रजाति है लिश्मानिया डोनोवनी, इससे क्या होता है? काला आजार रोग होता है। क्या होता है? काला आजार रोग होता है। इसको अपन डम डम फीवर भी कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? दूसरा नाम डम डम फीवर भी कहते हैं, या इसको सामान्य तीसरा नाम हो सकता है लिश्मानियासिस। ठीक है, इस जो रोग का वहाव कौन होता है? ये सैंड फ्लाई होती है, रेत मक्खी होती है। किसका? काला आजार रोग की। जो वहाव कौन है जो इसको कैरी करती है, वेक्टर करती है, जिससे फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, वो सैंड फ्लाई से फैलती है। ये बहुत ही जो सवाल एग्जाम में सवाल आ चुका है। और ये क्या होता है? ब्लड एंडोपैरासाइट होता है। लिश्मानिया डोनोवनी क्या होता है? ब्लड रक्त अंत परजीवी होता है, क्योंकि आरबीसी या डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। इसकी दूसरी जाति है लिश्मानिया ट्रॉपिका, इसे ओरिएंटल सोर या डेली बॉयल्स कहते हैं, और ये मानव का मानव त्वचा का बाह्य परजीवी है, इसकी दूसरी प्रजाति। और तीसरा क्या है? ब्रेसिलियानिस है, इसे कोई सामान्य रोग तो नहीं होता, लेकिन इसकी ये तीसरी प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइकोमोनास। इसकी भी तीन प्रजातियां हैं, पहली प्रजाति ट्राइकोमोनास होमिनिस, पहली प्रजाति कौन सी? ट्राइकोमोनास होमिनिस। दूसरी है ट्राइकोमोनास ब्यूकेलिस जो मुख में पाई जाती है, और तीसरी है ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। ये तीन प्रजातियां होती है। ये होमिनिस कहां पाई जाती है? कॉलन मलाशय में पाई जाती है मानव की, और जो ब्यूकेलिस है वो मुख में पाई जाती है, और इससे पाइलिया रोग होता है। क्या होता है? पाइलिया रोग होता है। और थर्ड जो है ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस होती है, इसमें व्हाइट फ्रूट डिजीज पाया जाता है, ये ऑर्का में होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि ब्लड ये व्हाइट कलर का फ्रूट निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। ये इम्पोर्टेंट है। क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार ये एग्जाम में सवाल पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इसमें देखिए ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस जो है मानव निद्रा रोग उत्पन्न करता है, मानव में कुमन में स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है। कौन? ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका जो महाद्वीप है वहां पे सबसे ज्यादा होता है, और इसकी जो वेक्टर है वहां पे सीसी मक्खी है, इसके द्वारा ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। ठीक है, और इसकी दूसरी प्रजाति है ट्रिपनोसोमा क्रुंजी। ट्रिपनोसोमा क्रुंजी है, इसे छागा रोग होता है। कहाँ होता है? क्या होता है? छागा रोग होता है, और ये बच्चों में होता है। ये मध्य अमेरिका और अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, और इसका वहां के वेक्टर वो कौन है? खटमल है। नेक्स्ट जीव है पैलोमिक्सा। नेक्स्ट जीव उसका नाम है पैलोमिक्सा, इसको क्योस भी कहते हैं, और ये बिगेस्ट प्रोटोजोआ जीव है, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ जीव है ये। सबसे बड़ा कौन सा अगर पूछे? पैलोमिक्सा सबसे बड़ा प्रोटोजोआ कौन सा जीव है? पैलोमिक्सा। उसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट है मोनोसिस्टस। मोनोसिस्टस है, ये कैचुए के शुक्राशय में पाया जाता है। कैचुए के शुक्राशय में पाया जाता है। जब आप अर्थ फॉर्म पढ़ोगे तो उसमें भी ये पॉइंट आएगा। ध्यान से देखिए, मोनोसिस्टस जो होता है कैचुए के कैचुए में अंत परजीवी होता है, और ये शुक्राशय सेमिनल वेसिकल में पाया जाता है, वेसिकल में पाया जाता है। नेक्स्ट जीव है नौसेमा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने भी एक वीडियो बनाया था एनिमल हस्बेंड्री, उसमें भी बताया था कि नौसेमा जो रेशम कीट का अंत परजीवी होता है, रेशम कीट पालन होता है उसमें रोग पोत करता है, और ये रेशम कीट का अंत परजीवी होता है, और इससे होता है पेब्राइन रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पेब्राइन। नेक्स्ट जीव है बेबेशिया। क्या जीव है? प्रोटोजोआ जीव है बेबेशिया। और ये बेबेशिया क्या करता है? चौपाए जो चार पैरों वाले पशु होते हैं, कैटल्स होते हैं, उसमें टेक्सास जबर, लाल पानी जबर या टीक जबर नामक फीवर पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं।
ठीक है, वेवेसिया से ये होता है। देखिए ये सब आपके कॉमन जीव थे प्रोटोजोअन के, इनसे क्या कुछ न कुछ रोग होते हैं, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ जीवों में कुछ सामान्य नाम, प्रोटोजोआ जीव जो होते हैं उनके क्या होता है सामान्य नाम भी होता है, जैसे देखो पैरामीसी को क्या कहते हैं स्लीपर जंतु कहते हैं, स्लीपर जंतु क्यों कहते हैं, ये स्लीप जो आपका स्लीपर होता है उसके जैसा दिखता है। वॉर्टिसेला घंटी जंतु कहते हैं क्योंकि इसका आकार कैसा होता है घंटी के आकार आकार का होता है, घंटी के आकार का होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं घंटी जंतु बोलते हैं, क्या बोलते हैं घंटी जंतु बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्टिनोफ्राइस, इसको सूर्य जंतु कहते हैं क्योंकि इसका आकार जो होता है बाहर से देखने में ये सूर्य जैसा दिखाई देता है, जैसा दिखाई देता है सूर्य के समान, किरणों के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको सूर्य जंतु कहते हैं, सम एनिमल कुल कहते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमिक्सा, क्या पॉलीमिक्सा, इसको कैओस्ट्रस कहते हैं और ये सबसे बड़ा प्रोटोजोअन जीव है। अब इसका नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोटोजोआ जीव से क्या होते हैं कुछ रोग होते हैं, पहला कौन सा मलेरिया, किससे होता है प्लाज्मोडियम से होता है, इसकी वाहक क्या है मादा एनोफिलीज, ठीक है अमीबिया पैचिस, अमीबिया अमीबिया पैचिस जो होता है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, ठीक है इससे क्या होता है अमीबिया पैचिस होता है, लेकिन देखो एक नेक्स्ट और जीव है एंड अमीबा जिंजिवेलिस से, ये इससे पाइलिया रोग फैलता है, पाइलिया रोग क्या होता है इंक्रीज होता है, ये फैलाता नहीं है, ये उत्पन्न नहीं करता केवल फैला देता है, क्या करता फैला देता है एंड अमीबो जिंजी एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। नेक्स्ट निंद्रा रोग, अभी जो बताया ऊपर मैंने ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस से होता है, ठीक है काला अजगर डम डम फीवर भी कहते हैं, ये याद रखना डम डम फीवर, इससे काला अजगर रोग या डम डम फीवर कहते हैं। ओरिएंटल सोर होता है, पायरिया पायरिया होता है, जियाडियासिस होता है, छागा रोग होता है, ल्यूकेरिया होता है, ल्यूकेरिया किससे होता है इसे ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से होता है ल्यूकोरिया, और टेक्सास जीव जो वेवेसिया से होता है। ये पहला वीडियो और ये वीडियो आपका पूरा का पूरा डिटेल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप नाइन्थ क्लास में पढ़ते हो या इलेवन ट्वेल्थ जो भी पढ़ते हो नीट की तैयारी या फिर आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी करते हो, तो ये दोनों वीडियो बना आप ध्यान से देखिए, इसे नोट्स बना सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, धन्यवाद।